तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग हेल्दी होंगे, फिट होंगे और अपनी जिंदगी का मजा ले रहे होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम हेल्थ के सबसे बड़े दुश्मन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है नशा। आजकल लोग अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक एस्केप के तौर पर, एक मजे के तौर पर नशा करने लगे हैं। तो इसी नशे के बारे में आज कुछ मैं आपके साथ पर्सनल ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ। सो है वेलकम व्यूअर्स, दिस इज ऋषिकेश कुराड़े एंड यू आर वॉचिंग फार्मा बॉय यूट्यूब चैनल। एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात कि किसी भी तरह का नशा करना सेहत के लिए एकदम हानिकारक होता है। लेकिन आजकल तो लोग इतने पगला गए हैं कि वो कौन सी भी चीज का नशा करने लगते हैं, जैसे कि तंबाकू का नशा, दारू का नशा, सिगरेट का नशा, गांजा का नशा और न जाने क्या क्या। और कुछ तो इतने पगला गए हैं जिन्हें पेट्रोल का नशा करने की आदत होती है और व्हाइटनर का नशा, ऐसे भी कुछ गंदे नशे लोग करने लगते हैं। और अगर उनसे पूछो कि आप क्यों नशे करते हैं तो उसके रीजन भी एकदम फालतू होते हैं, जैसे कि इससे स्ट्रेस कम होता है और कुछ लोगों को तो हगने में तक प्रॉब्लम होती है अगर वो तंबाकू नहीं खाते हैं तो इतनी बुरी कंडीशन है आजकल लोगों की कि आप सोच के देखिए कि अगर आपको सिर्फ आपकी बॉडी से गंदगी बाहर निकालने के लिए भी किसी स्टिमुलेंट की जरूरत पड़ती है तो इतनी बुरी कंडीशन में हम जैसे लोगों को तो नहीं जाना है। इसलिए हम जैसे लोग नशे से एकदम दूर रहते हैं और मैं ये कहूंगा कि आपको भी नशे से एकदम दूर रहना चाहिए। और अगर आप किसी से पूछे कि आप क्यों नशा करते हैं तो उनके रीजन एकदम फालतू होते हैं, जैसे कि इससे स्ट्रेस कम होता है और कुछ लोग तो कहते हैं कि नशा करने से बड़ा एक अलग ही मजा आता है, एक अलग ही किक मिलती है। तो जब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इस नशे से मुझे अलग ही किक मिलती है तो मेरे अंदर एक बात आती है कि उनसे कहूं कि कभी मेरे पास आओगे और मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर ऐसी किक दूंगा कि तुम्हें किसी दूसरे किक की फिर से जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आफ्टर ऑल ये उनकी चॉइस है तो हम उन्हें भी कुछ नहीं कह सकते। उन्हें एक अच्छी एडवाइस देना, उन्हें अच्छी चीजें बताना मुझे लगता है कि मेरा फर्ज है। इसलिए मैं कुछ लोगों को बताता हूँ कि आपको क्यों नशा नहीं करना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने ये देखा है कि जो यंग जनरेशन है, जैसे कि मेरे जैसे लोग, मतलब 18 से 25 तक के जो लोग हैं, वो इस नशे में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी यंग एज में अगर नशा करेंगे तो वो जो प्रॉब्लम है वो आपको अभी नहीं तो आपके जो मतलब जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो वहां पर आपको उसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। और मुझे लगता है कि अपनी यंग जो एज है वो हमें इस ऐसे फालतू नशे के लिए हमें बेकार करनी चाहिए। इसके सब्स्टिट्यूट में आप दूसरी चीजों का नशा कर सकते हैं, जैसे कि फिटनेस का नशा कीजिए, बॉडी बिल्डिंग का नशा कीजिए, अच्छी लाइफस्टाइल का नशा कीजिए, अच्छा खाने का नशा कीजिए, घूमने का नशा कीजिए। तो ऐसे नशे कीजिए जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे नशे करेंगे जिसकी वजह से आपकी बॉडी डैमेज हो रही है, आपकी हेल्थ खराब हो रही है, तो ऐसे नशे करने से आपको क्या ही मिलेगा। तो मेरा मैसेज आखिर में यही है कि किसी भी नशा करने से अच्छा है आप अपनी हेल्थ के टूवर्ड्स फोकस कीजिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।